आज उन्होंने 1512 पदों पर वैकेंसी निकाली, जबकि घोषणा और उनका वादा 6000 पदों पे था। और वही वो जो पंचायत राज चयन भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक पद भी नहीं आया 2008 के बाद, एक भर्ती नहीं आया। वो तरस रहे हैं कि हमारी भर्ती की विज्ञप्ति कब जारी होगी। और जो सीएटी जो लागू कर रहे हैं, जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए कह दिया कि सितंबर में एग्जाम होगी, अरे भाई ब्याको कार्ड छपा दिया कि 30 तारीख के अंदर फेरा जी शादी दे। आप लोग दुल्लो तैयार हो, बाद पता चलो कि नहीं शादी कैंसिल, दूसरा के साथ शादी हो रही। यानी कि सितंबर के लिए कहा, एग्जाम की तैयारी कर रहे, कोचिंग की फीस भर दी और तैयारी कर रहे थे। अब कह रहे कि दिसंबर में आपको सीएटी देनी पड़ेगी और उसके बाद जून जुलाई तक आपकी दूसरी एग्जाम देनी पड़ेगी। यानी कि लापरवाही और जो तानाशाही अधिकारियों के द्वारा चलाया जा रहा है और सरकार के इसके अनदेखी करी है। हम चाहते हैं कि सीएटी से जूनियर अकाउंटेंट को बाहर करके जल्द से जल्द नई परीक्षा तिथि जारी हो और इन लोगों को न्याय मिले। मैं मीडिया के बंदों को, जो पुलिस प्रशासन के जो बंदे बैठे हैं, अपने दिल पर हाथ रखिए कि पहले बजट की घोषणा पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आपने घोषणा हमने नहीं की, अरे हमने मांग नहीं की, हमने घोषणा नहीं की, घोषणा आपकी थी कटनी और कंडी मंत्र की। आपने लंबे लंबे लक्ष्यदार भाषण दिए थे, विधानसभा में बोला था कि हम बजट में 6000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर भर्ती निकालेंगे। उसी मांग के लिए युवा यहां जुटे कि हमें 6000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर भर्ती चाहिए तो चाहिए। वही दूसरी मांग पंचायत राज चयन भर्ती, और तीसरी आपने जूनियर अकाउंटेंट, और जो चौथी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मांग है कि आप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा कि पंजाबी विषय होना अनिवार्य है, बिहार में बिहार का दिवस होना अनिवार्य है, उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बंगाली, कन्नड़ में कर्नाटक में कन्नड़, अलग अलग राज्यों में राजस्थान के 20 से 21 राज्यों में राजस्थान का अभ्यर्थियों को बाहर फेंक दिया जाता है कि गुजराती बोलोगे तो गुजरात में लिया जाएगा। और राजस्थान में बाबा जी का भंडारा बना दिया, कोई भी आओ खाना खाओने के लिए, ऐसा नहीं होने देंगे। हर एमएलए को हमने ज्ञापन दिया, बलजीत यादव जी को मैंने ज्ञापन दिया, उन्होंने विधानसभा में उठाया और उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने बात की, मुख्यमंत्री जी का कमेटी बनाएंगे।